दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। तितली का रक्स नाज, गजाला का हुस्न रम, मोती की आप, गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसीन उफक से हवैदा हुई है तू। लहजा मली है के नमक ख्वार हूँ तेरा, और सेहत जबान में है के बीमार हूँ तेरा। उन्नीसवीं सदी का आगाज, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में कदम जमाने शुरू कर दिए। अपने सियासी इरादों की तकमील के लिए उन्होंने इंतखाब किया एक ऐसी ज़बान का जो पूरे मुल्क में राइज थी। जिस तरह हिंदुस्तान को दरियाफ्त करने में ओरिएंटलिस्ट ने हमारी मदद की, उसी तरीके से हिंदुस्तान की ज़बानों को तरक्की देने में भी अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा रोल रहा है। उर्दू के समझने वाले सारे हिंदुस्तान में फैले हुए थे, तो उन्होंने इसको तजारती ज़ुबान बनाया। और ब्रिटिशर्स ने जो किया वो सिर्फ इस वजह करके, ज़ुबान एक हो जाए तो फिर मुल्क को हम जोड़ सकेंगे और हुकूमत कर सकेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेज़ अफसरों को पढ़ाने के लिए किताबों की ज़रूरत महसूस हुई। वहाँ पे पसे पर्दा करना कुछ और था, काम कुछ और था, लेकिन जब रिजल्ट इसका आया तो उर्दू अदब के लिए एक नेक फाल साबित हुआ। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, खुशामदीद। उर्दू आवाम में मकबूल हो ही रही थी कि हिंदुस्तान को एक नई बैरूनी तहजीब से दोचार होना पड़ा। तिजारत के लिए आए अंग्रेज़ों ने अब हिंदुस्तान की सियासत और रियासत में भी दखल बढ़ाना शुरू कर दिया था। उनके सामने सबसे बड़ा मसला था ज़बान का। आखिर ऐसी कौन सी मुकामी ज़बान सीखी जाए जिसके ज़रिए हिंदुस्तान को अपनी तहवील में आसानी से लिया जा सके। जवाब मिला, उर्दू। वक्त करवट बदल रहा था। मुग़लों की मुसलसल कमज़ोर होती हुई इमारात पर अंग्रेज़ों के कसर खड़े हुआ चाहते थे। कई इलाके उनके कब्ज़े में आ चुके थे। अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान में दखल बढ़ता जा रहा था। अब मसला था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ अफसरों और कारकुनों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाने का। इस मकसद के तहत गवर्नर जनरल लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली की मदद से 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम जब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर बन करके आए उस ज़माने में हुआ, और 1800 में कॉलेज की बुनियाद रखी गई। उसके पहले प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट थे, जो 4 बरस के बाद खराबी सेहत के वजह कर वापस इंग्लिस्तान रवाना हो गए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का जो क़याम आया, इसमें एक पॉलिटिकल भी रीज़न है और एक ये भी रीज़न है कि ऐसी ज़ुबान हो जो हर जगह हम जिससे बात कर सकें। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। हिंदुस्तानियों से किस ज़बान में बात करें, इसके लिए अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड के माहिर लिसानियात डॉक्टर जॉन बॉथविक गिलक्रिस्ट की खिदमत हासिल की। गिलक्रिस्ट ने पाया कि उर्दू ही वो वाहिद ज़बान है जो यहाँ आम तौर पर समझी और बोली जाती है। उन्होंने कवायद के साथ अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी लुगत लिखी, जिसे स्टुअर्ट एंड कूपर कैलकटा ने 1786 में शाये किया। नाम था अ डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। ये पहली बार मिलता है गिलक्रिस्ट के 1794 में कि मैं जो किताब लिख रहा हूँ इसमें मैं कुछ बातें बताऊँगा उस ज़बान के बारे में जिसको हिंदुस्तानी और उर्दू भी कहा जाता है, रिख्ता भी कहा जाता है। उर्दू के माने हैं
लैंग्वेज ऑफ द एग्जॉल्टेड कोर्ट। डॉक्टर गिलक्रिस्ट का मुशाहिदा था कि उर्दू शायरी के शोबे में तो खूब काम हो रहा है, लेकिन नसर का दामन जरा तंग है। उन्होंने हिंदुस्तानी अदब के हवाले से कई किताबें और मजामीन लिखे। गिलक्रिस्ट ने पूरे हिंदुस्तान से अदीबों को फोर्ट विलियम कॉलेज में यकजा किया और फिर उर्दू नसर के जखीरे में यके बाद दीकरे नायाब गौहर जमा होने लगे। फोर्ट विलियम कॉलेज तो जाहिर है कि 1800 ईस्वी से लेकर के चंद बरस तक रहा। जॉन गिलक्रिस्ट ने न सिर्फ ये कि पहली ग्रामर भी लिखी थी उन्होंने उसकी, और ये कि वहाँ अच्छे लिखने वालों को बुलाया, मीर अमन आ गए, निहाल चंद लाहौरी, शेर अली अफसोस। भाई हमारी नसर की पहली सबसे अच्छी किताब तो वहीं लिखी गई ना, किस्सा चार दरवेश मीर अमन की, 1801 और 4-4 के बीच में लिखी गई वहाँ। तो खिदमत तो गैर मामूली रही है उसकी। फोर्ट विलियम कॉलेज के इन माहिरीन में लल्लू लाल जी खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। वो फारसी, उर्दू, संस्कृत और ब्रजभाषा के आलिम थे। उन्होंने दर्जन भर कदीम हिंदू ग्रंथों का तर्जुमा रेखते यानि भाखा में किया। इसे खड़ी बोली की इब्तदाई नसर का नमूना कहा जाता है और लल्लू लाल जी को जदीद हिंदी का बाबाए आदम। उन्होंने भाखा में मशहूर ज़माना किताब प्रेम सागर 1848 में लिखी। फोर्ट विलियम कॉलेज में हजारों किताबों के तर्जुमे हो रहे थे। तर्जुमा दरअसल अरबी का लफ्ज़ है जिसके मतलब होते हैं कि किसी एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में उसी चीज़ को मुंतकिल करना। इससे अदबी दुनिया में और अवामुन्नास को बहुत फ़ायदा पहुंचा है, और ट्रांसलेशन का भी जो सिलसिला शुरू हुआ ये फोर्ट विलियम कॉलेज की देन है। जहां संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला और उर्दू के मजामीन यूरोपीय जबानों में शाये किए जा रहे थे, वहीं यूरोप की इल्मी किताबों का हिंदुस्तानी जबानों खास तौर पर उर्दू में तर्जुमा किया जा रहा था। फोर्ट विलियम कॉलेज के जितने भी मुंशी थे उन सारे लोगों ने अपना तन मन धन लगा के उर्दू की अव्वलीन किताबों को वहाँ तैयार किया, और बहुत सी ऐसी किताबें जो दूसरी ज़बानों में थी जो उर्दू में नहीं थी उन सबको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। वहाँ से उर्दू में बाज़ाब्ता तौर पर तर्जुमा का आगाज़ भी होता है, साथ ही साथ उर्दू का अदबी ज़खीरा जो है वो वसी होता जाता है, वो बढ़ता जाता है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज की एक अनसीन, अनरिटेन, अनटोल्ड स्टोरी है। 18वीं सदी तक मुकद्दस बाइबल भी उर्दू और कई हिंदुस्तानी ज़बानों में शाये हो चुकी थी। मिशनरीज यहाँ हिंदुस्तान आए और उन्होंने यहाँ की तकरीबन सभी ज़बानें सीखीं। हिंदी तो आज़ादी के बाद ही मकबूल हुई, उससे पहले शुमाली हिंद में उर्दू ही बोली जाती थी। तो मिशनरीज ने उर्दू सीखी और मुकद्दस बाइबल भी उर्दू में ही होती थी। बाइबल यूज्ड टू बी इन उर्दू। हर तारीफ अल्लाह के लिए जो पालने वाला है। इसी दौर में दिल्ली में कुरान शरीफ का तर्जुमा पहले फारसी और फिर उर्दू में हुआ। 1740 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने कुरान शरीफ उसका तर्जुमा फारसी में किया। एक हंगामा खड़ा हुआ कि नहीं, इसका तर्जुमा नहीं होना चाहिए, इसको सिर्फ अरबी में पढ़ना चाहिए। उनके साहबजादे शाह रफ़ीउद्दीन साहब ने 1775 में कुरान शरीफ का उर्दू तर्जुमा किया। 1778-79 तक कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में छापे खाने खुल चुके थे। फोर्ट विलियम में जो किताबें तैयार हुईं उनकी इशाअत की जिम्मेदारी कॉलेज ने ही उठाई। इससे पहले उर्दू में ज्यादातर किताबें हाथ से ही लिखकर तैयार हुआ करती थीं। मार्क्स ने जो 1857 पर अपने लेटर्स छोड़े हैं, लेटर्स ऑन इंडिया, कार्ल मार्क्स के हैं, उसमें यह उसने लिखा है कि ब्रिटिशर्स वेयर द अनकॉन्शियस टूल्स ऑफ हिस्ट्री। वो एक गैर शऊरी वसीला थे तारीख का, जिन्होंने
चाहा तो अपने रेल किस लिए ईजाद की उन्होंने, इसलिए ईजाद की उन्होंने कि ईसाइयत या तबलीग में उससे मदद मिलेगी। छापे खाने उन्होंने कायम किए, प्रेस कायम किया, तो मकसद ये था कि वो उसके ज़रिए ईसाइयत की तबलीग में किताबें छापने में मदद मिलेगी बोलियों में। लेकिन फ़ायदा उससे ये हुआ कि उससे हमारी ज़बानों को पनपने का मौका मिला। पहले हाथ से किताबत होती थी, एक पीला कागज़ होता था, ख़ासकर बनता था वो, उसमें कई केमिकल लगते थे और ज़ाफ़रान भी लगता था, और शुरू शुरू में तो ज़ाफ़रान से इंक बनती थी, फिर वो बाकायदा एक कागज़ पर चिपकाया जाता था उल्टा, और उससे प्लेट बनती थी। इन किताबों के सबब दूर दराज की आबादियों में भी उर्दू तेजी से मकबूल हो रही थी। अंग्रेजी के कई अल्फाज उर्दू का हिस्सा बन चुके थे, मसलन गिलास, रेल, स्टेशन, रिक्शा, इंजन, मशीन, स्कूल, कॉलेज, पतलून, पेटीकोट, ब्लाउज या फिर मेम साहब। दुनिया की किसी जबान में हिफ्ज़े मरातिब का वो सलीका कहाँ जो उर्दू के पास है। अपने लिए खाकसार अर्ज करना, गरीब खाना हाजिर होना, और आपके लिए फरमाना, तशरीफ लाना, दौलत खाना, ये लिहाजो मुलाहिजा उर्दू कल्चर की शिनाख्त है। कुशादा दिल, मेहमान नवाज उर्दू अब एक अजनबी फलसफे हयात के मुकाबिल थी, उसका दामन वसी होने लगा। मफाद परस्त मंसूबों के तहत अंग्रेज अपनी साम्राज्य ताकत बढ़ाने में जुटे थे। उन्हें दरकार थी हिंदुस्तानियों की एक ऐसी नस्ल जो अंग्रेजी तहजीब को सबसे आला तस्लीम करे। ज़हनियत की इस तब्दीली के लिए और मगरबी उलूम की तालीम देने के लिए उर्दू का बाकायदा इस्तेमाल शुरू किया गया। हिंदुस्तान की कसीर आबादी उर्दू की अहमियत को कबूल कर चुकी थी। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में तालीम देने के लिए उर्दू को जरिया बनाने का फैसला किया। मदरसा गाजुद्दीन जो है वो हिंदुस्तान का पहला मॉडर्न स्कूल कहा जाता है। ये जो है औरंगजेब के सिपहसालार, जिन्हों की दक्कन की फतह में काफ़ी अहम रोल था, उन्होंने इसको यहाँ पर दिल्ली में कायम किया था 1692 में। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर 19वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर दौरा था, तो उन्होंने अपने ऑफिशियल वर्क को पूरा करने के लिए, अपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सही ढंग से चलाने के लिए यहाँ पर मॉडर्न सब्जेक्ट्स को उर्दू में तर्जमा कराया, ताकि ऐसे लोग मिल सके जो उनकी लैंग्वेज और हिंदुस्तान की लैंग्वेज को अच्छे ढंग से समझते। सन 1825 में दिल्ली के 120 साल पुराने मदरसा गाजीउद्दीन को अंग्रेजों ने अपनी तहवील में ले लिया। 1828 में इसे एंग्लो अरबिक कॉलेज नाम दिया और हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी, समाजियात और साइंस के मजामीन की तालीम देना शुरू कर दिया गया। मगर उर्दू में साइंस, रियाजी और तारीख पर किताबें थी ही नहीं। इसी कमी को पूरा करने के लिए सन 1842 में इस कॉलेज में एजुकेशन सोसाइटी कायम की गई और तर्जुमे का काम जोरों शोर से शुरू हो गया। लखनऊ में नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने रॉयल ट्रांसलेशन ब्यूरो कायम किया और हैदराबाद के नवाब शमसुल उमरा ने छापा खाना खुलवाया। तर्जुमा शुदा किताबें छपकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी। अब महाभारत, रामायण, भगवत गीता और कुरान शरीफ के तर्जुमे भी उर्दू में शाये होने लगे। साथ साथ अंग्रेजी और फ्रेंच में तारीख, साइंस, अलजबरा, रियाजी और इल्म नजूम पर लिखी गई सैकड़ों किताबों का तर्जुमा भी कराया गया। किताबों का ट्रांसलेशन सिर्फ किताबों का ट्रांसलेशन नहीं है। हम जब ट्रांसलेशन का मुताला करते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर हमारे सामने आती है कि ट्रांसलेशन में हम एक तहजीब को दूसरे तहजीब में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, एक तहजीब के जज्बात को दूसरी तहजीब के जज्बात में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, और जब हम ये मुकम्मल तौर पर कर लेते हैं तो कहते हैं ट्रांसलेशन बहुत अच्छा हुआ है। 1837 में दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में लीथो प्रेस खुलने के सबब उर्दू किताबों की इशाअत आसान हो गई। अब उर्दू में अंग्रेजी उलूम का रास्ता हमवार हो गया था। अंग्रेजों के बनाए गए कॉलेजों और स्कूलों में उर्दू बाकायदगी से
एक मजमून की तरह पढ़ाई जाने लगी। इन तमाम कोशिशों से हिंदुस्तान में एक ऐसी नस्ल तैयार होने लगी जो तालीम और सियासी शऊर में अपने अजदाद से अलग थी। उर्दू की किताबों की इशाअत से, प्रिंटिंग से जो अंग्रेज़ों का एक पोशीदा मकसद था वो ये था कि उर्दू तालीम से आरास्ता एक पूरी नस्ल ऐसी तैयार हो सके जो अंग्रेज़ी तहजीब को ठीक से समझे, उसका मुशाहिदा करे, मुताला करे और अंग्रेज़ी तहजीब को दुनिया की अरफा व आला तहजीब के तौर पर कबूल कर सके। उर्दू की किताबों की इशाअत से कई फ़ायदे हुए। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि उर्दू ज़्यादा लोगों तक पहुँची और एक फ़ायदा ये हुआ कि कई दूसरी ज़बानों का अदब उर्दू में ट्रांसलेट होकर लोगों तक पहुँचा, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी का अदब। अजीब बात यह है कि उस ज़माने में जब अंग्रेज़ों ने इन ज़बानों को तरक्की देने की कोशिश की, उनकी मुखालफत भी की गई हमारे राजा राम मोहन राय ने और ख़ुद बहुत से हिंदुस्तानियों ने इस बात की कोशिश की कि संस्कृत और अरबी को या फारसी को पढ़ाने के बजाय अंग्रेज़ जो थे सारी रकम खर्च करें अंग्रेज़ी पढ़ाने पर। मुगलों की हुकूमत बस नाम को रह गई थी। दिल्ली दरबार से मुंसलिक बहुत से शायर बेहतर जिंदगी की तलाश में इधर उधर जा रहे थे। शोरा पसोपेश में थे कि इस उजड़े दयार को छोड़कर जाएं तो कैसे। शेख इब्राहिम ज़ौक ने फरमाया, इन दिनों गर्चे दकन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो मिर्जा गालिब ने बर्जस्ता कहा, है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें खाएंगे क्या। दिल्ली से शोरा की हिजरत के बाद उर्दू की नई बस्तियों में भी शायरी की नशिस्तों का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसी महफिलों की वजह से शायरी घरों, गलियों, कहवा खानों, बाला खानों और मदरसों तक पहुंचती और नए आशिकाने सुखन पैदा करती। अब उर्दू का रिश्ता रकासा के घुंघरुओं से भी था और फकीर की सदाओं से भी। उर्दू की इस असर आफरीनी के सबब कंपनी सरकार ने 1832 में जिला अदालतों में फारसी की जगह उर्दू का इस्तेमाल करने का फैसला किया और इसे हिंदुस्तानी कहा। कुछ अंग्रेज अफसरान ने इस जबान को अपनाया तो ज़रूरतन, मगर ज़रूरत पूरी होने के बाद भी इससे जुदा न हो पाए। उर्दू के शहर से अंग्रेज भी मुतासर हुए और कुछ ऐसे मुतासर हुए कि इस जबान में बाकायदा शायरी करने लगे। गुड आफ्टरनून जॉर्ज। 1870 के करीब जॉर्ज बर्निस हुआ करते थे जो शोर तखल्लुस फरमाते थे। उनका एक शेर है, गैर के साथ अयादत को वो दिलबर आया, लो मसीहा मलकुल मौत को लेकर आया। वाह वाह। एक और अंग्रेज हाकिम रॉबर्ट गार्डनर असबक के तखल्लुस से शेर कहते थे। उनके इश्क की तर्जुमानी इस शेर में देखी जा सकती है, जब कहा मैंने खसम खाओ तो बोले हंस के वो, गर कसम है चीज खाने की तो खा ली जाएगी। अंग्रेजी शायरी से हमने लिरिक्स लिए, सोनेट्स लिए, फ्रेंच पोइट्री से हमने त्राइले लिए, इसी तरह उन्होंने हमारे यहाँ से रुबाइयाँ, क्वाड्रोपेड, चार मिसरे, कते वो लेना शुरू कर दिया। अब उर्दू गजल में अंग्रेजी के अल्फाज भी चस्पा किए जा रहे थे। अकबर इलाहाबादी ने इसका क्या खूब इस्तेमाल किया, अब इफ कीजिए और ना बट कीजिए, जो साहिब कहें उसको झट कीजिए। 1869 में लखनऊ से अवध पंच रिसाले की इशाअत के बाद अकबर की शायरी में मिजाह के साथ साथ तंज ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। पैरोडी तंजो मिजाह की सिंफ है जो उर्दू में अंग्रेजी अदब से आई और जिसका बाकायदा आगाज अवध पंच से हुआ। उर्दू में इसकी शुरुआत पंडित त्रिभुवन नाथ हिज्र और अकबर इलाहाबादी की शायरी से मानी जाती है। 20वीं सदी के निसफ आखिर में राजा मेहदी अली खान ने गालिब की मशहूर गजलों की कामयाब पैरोडियां की।
लिखते हैं, है गाल पे उस तिल के सिवा एक निशां और, तुम कुछ भी कहो हम पे गुजरता है गुमां और। कन्हैया लाल कपूर ने फैज़ अहमद फैज़ और दीगर शौरा की पैरोडी की, जिसकी खूब पजीराई हुई। फोन आया दिलेजार नहीं फोन नहीं, साइकिल होगा कहीं और चला जाएगा। तो पैरोडी का सिलसिला आज भी कायम है और बेहद पसंद किया जाता है। उर्दू शायरी में मुबालगा आ रही यानी किसी मजमून को बढ़ा चढ़ा कर कहने की रिवायत भी इब्तदाई दौर से ही मौजूद है। मसलन, दोषे नाजुक पे दुपट्टा फिरना ठहरा बोझ से, कल जो रंगने में जरा गहरा गुलाबी हो गया। हिंदुस्तान एक नई तहजीब के रूबरू था। कहीं इसकी शदीद मुखालफत हो रही थी तो कहीं इसे हैरत से देखा जा रहा था। दूसरी जानिब उर्दू के लबो लहजे में वो खुसूसियत पैदा हो चुकी थी जो दुनिया की किसी भी तरक्की याफ्ता जबान में मौजूद होती है। मगर ये खुशगवार मौसम ज्यादा दिन कायम न रह सका। अंग्रेज फोर्ट विलियम कॉलेज में ही उर्दू को तकसीम करने के मंसूबे पर काम कर रहे थे। जल्द ही कौम को जबान की बिना पर बांटने की साजिश सामने आ गई और 1860 में एक ही जबान को दो नाम दे दिए गए, यानी हिंदी और उर्दू। अगर इस माने में रखा जाए कि हिंदी या हिंदुस्तानी वो जबान है जो हिंदू लोग बोलते हैं, तो ये कभी इसमें इसकी हिस्ट्री में कभी तारीख में था ही नहीं। अब इसको मगर डाला गया ला करके। अंग्रेज़ ने तो फोर्ट विलियम कॉलेज जब कलकत्ते में कायम किया था, जब ही से ये चाहा था कि हिंदुस्तानियों को एक ना हो रहने, उनको तकसीम करो, मज़हबों में बांटो, ज़ातों में बांटो, गाँव में बांटो, ज़बानों में बांटो। एक ही ग्रामर को दो रस्म अलख़त में लिख के कह दिया, हिंदी हिंदू और मुसलमान उर्दू मुसलमान। इन ज़बानों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा की गई और उस कॉन्फ्लिक्ट के बहुत से असबाब थे। मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें अंग्रेज़ों का कोई बहुत बहुत रोल था, उसमें और बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन वो एक अननेचुरल प्रोसेस था। इसलिए कि उर्दू और हिंदी को एग्जिस्ट कर सकती थी और बड़ी खूबसूरती के साथ को एग्जिस्ट कर सकती थी। हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू दो कौमें नहीं हैं, ये गलत बात है, वो एक कौम है। लेकिन वो एक टू नेशन थ्योरी बनाई गई, झूठी हिस्ट्रीज लिखी गई, एक तारीख इसके लिए बनाई गई, एक तारीख उसके लिए बनाई गई, सब चीज़ें बांट दी गईं। तो अब ये ज़बान थी जो कि ज़िंदा सबूत थी कि कॉम्पोजिट कल्चर कोई चीज़ है, गंगा जमनी तहजीब कोई हकीकत है और ये लोग एक हैं, ये दो नहीं हैं। तो इस ज़बान का कत्ल तो करना ज़रूरी था। अंग्रेज़ों ने मजहबी भेदभाव पैदा किया ताकि हिंदुओं को और मुसलमानों को बांट सकें। भाई उनको सियासत करनी थी, उनको हुकूमत करनी थी। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आज के आज़ाद हिंदुस्तान में ये झगड़े पैदा करने की क्या ज़रूरत है कि किसकी ज़बान क्या है, किसकी ज़बान क्या नहीं है, किसका मज़हब क्या है, किसका मज़हब क्या नहीं है। किसी मज़हब ने आपस में बैर रखना तो नहीं सिखाया। डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो, अंग्रेज़ों का पसंदीदा सियासी फॉर्मूला था। उर्दू भी इसकी जद से नहीं बच पाई। ये और बात है कि अंग्रेज़ों ने अनजाने में कई ऐसे फैसले भी किए थे जो उर्दू की तरक्की का सबब बने, लेकिन तकसीम मुल्क के बीज बो दिए गए थे। केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया दीन धर्म का नाम। दास्ताने उर्दू का सिलसिला जारी रहेगा। अगली किस्त में मिलेंगे मिर्ज़ा नौशा से, जो दुनिया पे गालिब हैं, और जानेंगे कि कैसे ये ज़बान तमाम साजिशों के बावजूद सलामत रही और वक्त आने पर अंग्रेज़ों के खिलाफ बरहना शमशीर बन गई। खुदा हाफिज़। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग सारे जहां।
में धूम